हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गाइज, ये आप सभी को पता है, नीट यूजी राउंड वन जो है सभी कोर्सेज का कंप्लीट हो चुका है। MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और आयुष कोर्सेज, BAMS, BUMS, BHMS, ठीक है, सभी कोर्सेज का राउंड वन कम्प्लीट हो चुका है और इन सभी कोर्सेज का अब राउंड टू चल रहा है। तो राउंड टू से रिलेटेड एक अर्जेंट अपडेट जारी हुआ है। जिन भी स्टूडेंट को जो सीट सरेंडर करनी है उसकी लास्ट डेट दी गई है, एक्सटेंड की गई है। तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड, चाहे आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो पर आपको मिलेगी, चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए गाइज, तो गैस यहाँ सबसे पहले मैंने ओपन किया है जो आयुष कोर्सेज है, जिसमें BAMS, BHMS, BUMS जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में एडमिशन जो लेते हैं नीट यूजी का ही एग्जाम देकर, ठीक है। तो गैस देखिए, काइंड अटेंशन नोटिस दिया गया है, ऑल कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन फर्स्ट राउंड ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग 2021, ठीक है, जिनने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया था उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो AAACC आयुष इज रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेरीज और रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ सीट अलॉटेड इन दैम ड्यूरिंग राउंड वन, ठीक है। तो राउंड वन में जो स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है उसके रेजिग्नेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है वो आयुष के थ्रू रिसीव की गई है। तो इन दिस रिगार्ड इट इज़ इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट्स हु ज्वाइंड देयर सीट ऑफ राउंड वन, जिन्हें ज्वाइन की थी अपनी सीट राउंड वन में, एंड लेटर वॉन्ट टू रिजाइन, और उसके बाद वो रिजाइन करना चाहते हैं द सेम, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ राउंड टू ऑफ AAACC यूजी काउंसलिंग कैन डू सो, ठीक है। तो वो कर सकते हैं राउंड टू के लिए। कब से कब तक कर सकते हैं गाय? 14 फरवरी से, ठीक है, 24 फरवरी। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि 24 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो गाइस, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। अगर आपको अपनी सीट सरेंडर या फिर रिजाइन करनी है तो 24 फरवरी इवनिंग 4 PM तक कर सकते हैं, उसके बाद इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को एडवाइज किया जाता है कि पहले से ही वो सुनिश्चित कर ले अपने रेजिग्नेशन लेटर को, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही जनरेट होगा, ऑनलाइन जनरेट होगा, जो भी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। अगर आप फेल हो जाते हैं रेजिग्नेशन में, विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। अगर आपके पास रेजिग्नेशन लेटर आप ऑनलाइन जो जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका अगर कोई और उसके अलावा कोई लेटर लेकर जाते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड कैंडिडेट्स विल बी डीम्ड टू बी ऑक्यूपाई द सीट स्टिल एंड रूल्स ऑफ राउंड टू विल अप्लाई, ठीक है। तो जो राउंड टू के रूल्स होंगे वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो एनी लेटर अदर देन रेजिग्नेशन लेटर जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, रेजिग्नेशन लेटर के अलावा यदि आप कोई और लेटर लेकर जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही जनरेट किया गया हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट से जनरेट किया गया हो, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर के अलावा किसी और लेटर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है। फिर भी गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आयुष कोर्सेज से रिलेटेड या MBBS BDS से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इस चैनल के थ्रू जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।